माइकल जैक्सन की बेगुनाही का दावा करने वाले पोस्टर लंदन की बसों पर। ब्रिटेन में इस सप्ताह डॉक्यूमेंट्री लिविंग नेवरलैंड प्रसारित होने के बाद दिवंगत पॉप स्टार माइकल जैक्सन पर लगे यौन दुर्व्यवहार के आरोपों के मामले में उनकी बेगुनाही के दावे करने वाले पोस्टर लंदन की बसों पर लगे हुए हैं। CNN के मुताबिक डैन रीड निर्देशित 4 घंटे की अवधि वाले डॉक्यूमेंट्री को ब्रिटेन में थोड़े छोटे प्रारूप में प्रसारित किया गया। इसमें 36 वर्षीय वेड रॉबसन और 41 वर्षीय जेम्स से फिचक ने आरोपों लगाया कि वे जब बचे थे तब जैक्सन ने उनके साथ छेड़छाड़ यौन दुर्व्यवहार किया था। अपने देश ऑस्ट्रेलिया में एक नृत्य कॉन्सर्ट जीतने के बाद 5 साल की उम्र में रॉबसन की मुलाकात जैक्सन से हुई थी, जबकि से फिचक 8 साल के थे जब वे 1986 में पेप्सी के एक विज्ञापन में जैक्सन के साथ नजर आए थे। लंदन की बसों पर लगे पोस्टर के एक वर्जन पर जैक्सन के चेहरे वाली श्वेत शाम तस्वीर है। उनके मुंह पर लिखा है इनोसेंट बेगुनाह और पोस्टर में लिखा है तथ्य झूठ नहीं बोलते लोग बोलते हैं। एक अन्य पोस्टर पर लिखा है #MJ इनोसेंट। दोनों वर्जन में दर्शकों को MJInnocent.com वेबसाइट पर जाने के निर्देश दिए हैं जो पॉप स्टार की बेगुनाही से जुड़े सबूतों को दर्शाता है। अभियान के आयोजकों में से एक वकील अनिका कोटेचा ने CNN को बताया कि इन पोस्टरों का लगाया जाना ब्रिटेन स्थित एक छोटी सी टीम का काम है। उन्होंने कहा, हम लंबे अरसे से जानते हैं कि ये आरोप झूठ के अलावा और कुछ नहीं है और हम उस संदेश को आम जनता तक पहुंचाना चाहते थे।